हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिसंबर 2013 क्वेश्चन पेपर। सो दिसंबर 2013 क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। 2 आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 3 आर फ्रॉम पार्ट सी। सो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी एंड इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू कैन बी ट्रांसफॉर्म टू डेल वी बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर फॉर। यहाँ से चार ऑप्शन दिए, पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन हमें कहता है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन कौन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन से फंक्शन के लिए। सो यहाँ से चार ऑप्शन है, देन वन बाय वन हम चारों ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, देन उसे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाते हैं, वैल्यूज की पुट करेंगे, देन देख लेंगे वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है v इक्वल्स टू एक्सपोनशियल t, एक्सपोनशियल माइनस t इंटू यू। देन यहाँ से u को सिंप्लीफाई करेंगे, u आएगा v एक्सपोनशियल t, देन u इक्वल्स टू v एक्सपोनशियल t है। देन यहाँ से डेल u बाई डेल t अगर निकालेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन डेल u बाई डेल t आ जाएगा v एक्सपोनशियल t प्लस एक्सपोनशियल t वी t। यहाँ से इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली यहाँ से हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। सो एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, देन मिल जाएगी एक्सपोनेंशियल टी वी एक्स, बिकॉज ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है। देन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, देन एक्सपोनेंशियल टी वी एक्स एक्स। सो ये आ गई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एंड देन यहाँ से यू की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ से इक्वेशन हमारे पास यू टी यू एक्स एक्स प्लस यू, देन यू हमने सिंप्लीफाई किया, यू इक्वल्स टू वी एक्सपोनशियल टी, एंड देन यू टी की इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू आई है वी टी वी एक्सपोनशियल टी प्लस एक्सपोनशियल टी वी टी, एंड यू एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से है एक्सपोनशियल वी एक्स एक्स एक्सपोनशियल टी वी एक्स एक्स। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को देखें, देन यहाँ से दिस फॉर्म विल बी कैंसिल आउट विद दिस टर्म, एंड ये जो बचेंगे इनमें एक्सपोनेंशियल टी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। सो बचेगी क्या, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास लास्ट रिजल्ट यही रहेगा वी टी इक्वल्स टू वी एक्स एक्स। सो वी टी इक्वल्स टू वी एक्स एक्स हमें यही गिवन इक्वेशन में क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन को हमने इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। ये आ गई वी टी इक्वल्स टू वी एक्स एक्स, हमारे पास ये आ गया। सो यहाँ से ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अब बाकी ऑप्शन हमें करेक्ट करने चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ऑफ पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट ही होगा। बट हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, देन अगर ऑप्शन बी को भी चेक करें, बी सी एंड डी को भी अगर वन बाय वन चेक करते हैं, देन ऑप्शन बी में वी इक्वल्स टू हमें लिया गया वी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टी इंटू यू। तो अगर वी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टी इंटू यू अगर लेंगे यहाँ से, सो इसमें अगर यू में सिंप्लीफाई करेंगे, देन वैल्यू आएगी यू वी एक्सपोनेंशियल माइनस टी, देन यू का टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन वैल्यू आएगी वी टी एक्सपोनशियल माइनस टी माइनस एक्सपोनशियल टी इंटू वी, एंड देन इस यू का दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, देन वैल्यू आएगी वी एक्स एक्स एक्सपोनशियल माइनस टी। सो यहाँ से यू की यू टी की एंड यू एक्स एक्स की वैल्यू हमने इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है, यू टी इक्वल्स टू यू एक्स एक्स प्लस यू में। सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे, देन ये इक्वेशन आएगी। अब ये कहीं से भी हमारे पास वी टी इक्वल्स टू वी एक्स एक्स में सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट भी नहीं हो रही है, देन सिंप्लीफाई नहीं होगी, देन ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के लिए करेंगे, देन ऑप्शन सी में हमें इक्वेशन दी हुई है वी इक्वल्स टू टी यू, देन यहाँ से यू आ जाएगा हमारे पास वी बाई टी। सो यू का टी के रेस्पेक्ट में यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन वैल्यू आ जाएगी वी बाई टी माइनस वी बाई टी स्क्वायर प्लस वी टी बाई टी, एंड यू का दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देन यू एक्स एक्स इक्वल्स टू वी एक्स एक्स बाई टी। सो यहाँ से वैल्यू फिर से हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है तीनों इक्वेशन से, यू टी इक्वल्स टू यू एक्स एक्स प्लस यू में। सो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, देन रिजल्ट आएगा ये। अब इस रिजल्ट में भी कहीं से भी कुछ कैंसल आउट होके हमारे पास वी टी इक्वल्स टू वी एक्स एक्स सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है,
देन यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली हम लास्ट ऑप्शन के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है वी इक्वल्स टू टी यू माइनस ऑफ टी यू, देन यहाँ से वी आ जाए यू आ जाएगा हमारे पास माइनस वी बाई टी, देन यू का टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ही आएगा एंड यू का दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पार्शियली ही आएगा। सो यहाँ से यू टी एंड यू एक्स एक्स की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, देन यहाँ से भी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं होगी। सो ओवरऑल हमारे पास इस क्वेश्चन का एक ही करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो हमने सिंपली यहाँ से इस टर्म को सिंप्लीफाई करके यहाँ से इसमें फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख के सेकेंड इक्वेशन में इसे ट्रांसफॉर्म कर लेना है। सो हम डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट लेट ए बी सी बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन आर स्क्वेयर, लेट वी वन वी टू एंड वी थ्री बी द नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर स्क्वेयर सच दैट वी वन यूनियन वी टू यूनियन वी थ्री इक्वल्स टू आर स्क्वेयर एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें ये इज एलिप्टिक इन वी वन, पैराबोलिक इन वी टू या फिर हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक इन वी थ्री है। देन हमें बताना है v1, v2 एंड v3 ओपन सेट्स होंगे या क्लोज सेट्स होंगे इन आर स्क्वेयर। सो ये बताने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन को अगर बाई फॉर्म करने जाएं वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप देन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा एंड पार्ट बी का क्वेश्चन है इतना टाइम टेकिंग सिर्फ एक ही क्वेश्चन में टाइम देना नॉट अ गुड डील। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट का मेथड काम में लेंगे जो हमें रिजल्ट्स पता है उनसे। सो यहाँ से अगर क्वेश्चन को देखें देन यू एक्स एक्स का कोफिशियंट आर, यू एक्स वाई का कोफिशियंट एस एंड यू वाई वाई का कोफिशियंट टी, सो आर एस टी की वैल्यू ही आ गई। सो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होती है उसे क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी। सो अगर एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो होगा देन इस केस में हाइपरबोलिक, इक्वल्स टू जीरो होगा देन पैराबोलिक एंड लेस देन जीरो होगा देन इस केस में इलिप्टिक होता है। ये रिजल्ट हमें पता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है। सो यहाँ से ये हाइपरबोलिक है व्हेन ग्रेटर देन जीरो है। सो हाइपरबोलिक हमारे पास वी वन में, हाइपरबोलिक हमारे पास वी थ्री में, इलिप्टिक हमारे पास वी वन में एंड पैराबोलिक हमारे पास वी टू में। सो यहाँ से हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है। नॉर्मली अगर इक्वल्स टू का साइन होता है ये इक्वलिटी जहाँ आ जाती है वो सेट होता है हमारे पास क्लोज सेट एंड जहाँ इनइक्वलिटी आती है लाइक ग्रेटर देन और लेस देन वहाँ होता है ओपन सेट। सो अगर यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया होता देन इस केस में भी ये क्लोज होता, बट यहाँ से सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। सो ये दोनों सेट्स तो होंगे हमारे पास क्लोज सेट, सॉरी जहाँ इनइक्वलिटी है वहाँ होंगे ओपन सेट। सो जहाँ इनइक्वलिटी ये दोनों सेट हो जाएंगे ओपन सेट और वी टू हो जाएगा हमारे पास इक्वलिटी की वजह से क्लोज सेट। सो वी वन एंड वी थ्री आर ओपन सेट एंड वी टू इज क्लोज सेट। सो वी वन और वी थ्री ओपन सेट हुए देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये तीनों को ओपन बता रही डिस्कार्ड हो गया, यहाँ से ये V2 को भी ओपन बता रहे हैं। सो ये भी डिस्कार्ड हुआ एंड ये भी डिस्कार्ड हुआ। सो यहाँ से सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बना। हमने यहाँ सिर्फ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी का ध्यान में रख के ऑप्शन बी को करेक्ट कर दिया। तो सिंपली एक तो हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए किस हिसाब से करते हैं, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी से पर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो एंड इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन पता होनी चाहिए। और साथ ही हमें ये पता होना चाहिए जब इक्वल्स टू होगा वहाँ क्लोज सेट होगा एंड जहाँ इनइक्वलिटी होगी वहाँ ओपन सेट होगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पार्ट बी के दो ही क्वेश्चन थे, दोनों हमने कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन पार्ट सी, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट, सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट इफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें ये डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, वेयर यू एट एक्स जीरो इक्वल्स टू साइन पाई एक्स हैज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। सॉल्यूशन हमें इस फॉर्म का दिया है यू एक्स टी इक्वल्स टू फाइव टी साइन पाई एक्स। देन हमें जो चारों ऑप्शन गिवन है वो पूछ रहे हैं हमें फाइव के बारे में, फाइव फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। सो ये फंक्शन हमें बताने के लिए हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए क्या कौन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, साथ ही एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है।
सो अगर इस इक्वेशन की बात करें, ये इक्वेशन हमारे पास सिमिलर है इसके, यू टी इक्वल्स टू के यू एक्स एक्स, वेयर एक्स इज बिटवीन जीरो टू ए। सो यू जीरो टी इक्वल्स टू यू ए टी इक्वल्स टू जीरो, हमें ये कंडीशन यहाँ गिवन नहीं है बाउंड्री कंडीशंस, बट हमें ये कंडीशन गिवन है यू एट एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देन यू ऑफ एक्स टी हमारे पास आएगा सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स बाई ए एक्सपोनशियल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर टी, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स बाई ए, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो अगर u एट x जीरो यहाँ से निकालेंगे देन हमारे पास कुछ इस टाइप से फंक्शन बन जाएगा, बट यहाँ हमें k और a की वैल्यूज़ भी निकालनी है। सो अगर यहाँ से k और a की वैल्यूज़, इस टाइप का फंक्शन बनेगा। ये मैंने आपको एक इक्वेशन सॉल्यूशन बताया, यहाँ से इस टाइप से सॉल्यूशन निकलेगा। सो अगर यहाँ से बात करें, हमें यहाँ u ऑफ डेल यू बाई डेल टी क्या गिवन है, डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो साथ ही ये कंडीशन गिवन है यू एट एक्स जीरो इक्वल्स टू साइन पाई एक्स, देन यू एक्स टी इक्वल्स टू फाइव टी साइन पाई एक्स आ रहा है। सो ये हीट इक्वेशन हुई हमारे पास, हीट इक्वेशन इस फॉर्म की है डेल यू बाई डेल टी माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर यू एक्स जीरो इक्वल्स टू साइन पाई एक्स। सो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, इक्वल्स टू माइनस वन आ रही है। सो के इक्वल्स टू, यहाँ से अगर यू एक्स टी का सोल्यूशन जैसे मैंने इसमें बताया, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, यू एक्स टी इक्वल्स टू सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स बाई ए एक्सपोनशियल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर इंटू टी। सो हेयर ए इक्वल्स टू वन है और के इक्वल्स टू वन अगर ले, देन तब भी ये सोल्यूशन इसके सिमिलर आएगा हमारे पास यू एक्स जीरो इक्वल्स टू साइन पाई एक्स के। सो यहाँ से यू एक्स टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू माइनस वन एंड ए इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, देन यू एक्स टी इक्वल्स टू सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स बाई एक्सपोनशियल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी, देन यू एट एक्स जीरो अगर इस इक्वेशन के लिए निकालते हैं, देन टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे, दिस क्वांटिटी विल बी वन। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स, बट हमें यू एक्स जीरो क्या गिवन है, यू एक्स जीरो इक्वल्स टू साइन पाई एक्स। सो अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट में यू एट एक्स जीरो क्या आ रहा है हमारे पास, ई वन साइन पाई एक्स प्लस ई टू साइन टू पाई एक्स प्लस ई थ्री साइन थ्री पाई एक्स एंड सो ऑन चलता जाएगा, लाइक ई फोर साइन फोर पाई एक्स एंड सो ऑन। बट यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे, देन यहाँ से सिर्फ साइन पाई एक्स का कोफिशियंट हमारे पास है, देन ई वन की वैल्यू वन आ रही है, इनसे कंपेयर करेंगे और ई टू ई थ्री एंड सो ऑन ई एन जितने भी आ रहे हैं वो जीरो आ रहे हैं, मतलब ई आई इक्वल्स टू जीरो एंड आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आई डजेंट इक्वल्स टू वन, देन सारे ई आई जीरो आ रहे हैं। और इवन यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, इवन इक्वल्स टू वन आ जाएगा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो। सो इवन इक्वल्स टू वन आ गया, सो यू ऑफ एक्स टी क्या आ जाएगा, यहाँ से यू ऑफ एक्स टी में अगर वैल्यू पुट करेंगे देन क्या आएगा, इवन इक्वल्स टू वन एंड रेस्ट ई आई आर जीरो। सो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा साइन पाई एक्स एक्सपोनशियल पाई स्क्वायर टी, ये सॉल्यूशन आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू पाई टी साइन पाई एक्स, सो फाइव टी साइन पाई एक्स, देन यहाँ से फाइव टी कंपेयर करते हैं, देन फाइव ऑफ टी इक्वल्स टू एक्सपोनशियल पाई स्क्वायर टी। एज वी कैन सी ये पाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्सपोनशियल पाई स्क्वायर टी आ रहा है, ये हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साथ ही नेवर जीरो फंक्शन है। इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आती, एज वी नो दैट, क्योंकि एक्सपोनशियल टी ऑलवेज ये ग्रेटर देन वन आएगा। सो इस केस में ऑलवेज इंक्रीजिंग आ रहा है और ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, सो ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। सो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसे हीट इक्वेशन के सिमिलर बनाया है, के इक्वल्स टू माइनस बनाया है, देन हीट इक्वेशन के सिमिलर बना के कंपेयर कर दिया एंड सॉल्यूशन निकाल लिए। मोस्ट ऑफ टाइम पे हम इसका हीट इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा हीट इक्वेशन है कि नहीं, बिकॉज ऑफ हमें जो हीट इक्वेशन की इक्वेशन दी जाती है वो दी जाती है डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, बट यहाँ से इस क्वेश्चन में के इक्वल्स टू माइनस वन दिया है, सो ये ध्यान रखने की बात है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94 पार्ट सी का इक्वेशन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, देन यहाँ से पी एक्स वाई निकालेंगे, पी एक्स वाई विद द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें ये डेल टू यू बाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, देन पी एट टू थ्री यानी एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू थ्री, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। सो हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल्स टू टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वे डी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल टू जेड बाई डेल टू वाई डेल एक्स स्क्वायर,
डी इक्वल्स टू डेल वाई डेल एक्स एंड डी डैश इक्वल्स टू डेल वाई हो जाएगा। सो यहाँ से अगर इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, कॉस ऑफ इस टर्म को लिख देंगे 1/d² माइनस डी डैश ये 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका। सो यहाँ से अगर इस टर्म में से डी डैश कॉमन ले लेंगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, यहाँ से डी डैश भी कॉमन ले सकते हैं और डी स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, हमें जो भी मेथड अच्छा लगे हम उसी से कर सकते हैं। सो अगर यहाँ से डी डैश कॉमन लेंगे देन हमारे पास सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी 1 माइनस डी डैश कॉमन ले लेंगे तो 1/ माइनस डी डैश इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर बाई डी डैश इन्वर्स आ जाएगा, कॉज ऑफ ये टर्म ऊपर चली जाएगी उसके बाद इंटू 2y माइनस एक्स स्क्वायर। देन इस टर्म का एक्सपेंशन कर लेंगे, इस टर्म का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ इस टाइप से टर्म आएगी 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी डैश एंड सो ऑन, बट हमें सिर्फ इतनी टर्म का काम रहेगा क्योंकि आगे फिर जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर इस टर्म का तीन बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन इसका तो एक बार में ही जीरो आ जाएगा और इसका दो बार तो नॉन जीरो आएगा, थर्ड टाइम में जीरो आ जाएगा। सो यहाँ से सिर्फ हमें दो ही टर्म्स काम की रहेगी। सो यहाँ से अगर देखें देन यहाँ से फर्स्ट में मल्टीप्लीकेशन होगा देन वैल्यू आ जाएगी 2y/ माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में यहाँ से देखें देन यहाँ से पहले तो दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इसका तो जीरो हो जाएगा और इसका अगर दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट टाइम में आएगा माइनस टू एक्स एंड देन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे देन आ जाएगा माइनस टू। सो यहाँ से आ गया माइनस टू। अब माइनस टू का डी डैश के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, सो वाई के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन होगा इस टर्म का देन क्या वैल्यू आएगी वाई, कॉज ऑफ डी तो होता है डिफरेंशिएशन और 1/d होता है इंटीग्रेशन, डी तो होता है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और डी 1/d होता है एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। सिमिलरली डी डैश के लिए डी डैश होता है एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड 1/d वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस टू वाई। सो अगर यहाँ से पहले से सिंप्लीफाई कर लें प्लस वाई टू माइनस टू वाई कैंसिल आउट रहेगा, सो सिर्फ वैल्यू बचेगी माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन 1/d माइनस 1/d डैश इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेट होगी प्लस आ गया एंड 1/d डैश है यानी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सो वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का अगर इंटीग्रेशन होगा देन एक्स स्क्वायर वाई आएगा। सो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर वाई, हमें वैल्यू निकालनी है वैल्यू एट पी एट 2 3, सो पी एट एक्स वाई आया एक्स स्क्वायर वाई, सो एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे और वाई की जगह 3 पुट कर देंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 2² × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4 × 3 = 12। सो यहाँ से 12 आ गया, पी 2 3 = 12 किसका आंसर होगा, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। सो ये तो हमने डी डैश कॉमन लेके किया है, अब अगर यहाँ से हम डी स्क्वायर कॉमन लेके करें तो आप डी स्क्वायर से सॉल्व करके देखिए क्या यही आंसर आता गया, आंसर तो वैसे यही आएगा बट कई केसेस में अलग अलग भी हो सकते हैं, मल्टीपल पी आईज भी होते हैं, मल्टीपल पी आईज होंगे देन इस केस में यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन है देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होना बनता है वैसे तो। सो आप यहाँ से अगर चेक करेंगे देन अगर दूसरा ऑप्शन आए तो आप वो भी करेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप डी स्क्वायर भी कॉमन लेंगे देन इस केस में भी ऑप्शन सी ही करेक्ट आएगा। सो आप वो करके चेक करके देखिए एंड देन अगर दूसरा आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिसम्बर 2013 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट जेड इक्वल्स टू जेड एक्स वाई बी अ सॉल्यूशन ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू वन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 0 देन जेड 0 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अगर इस क्वेश्चन को देखें देन दिस क्वेश्चन इज ऑफ फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चार्पिक मेथड से क्वेश्चन है। सो यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं पी एंड डेल जेड बाई डेल वाई को लिख सकते हैं क्यू, सो पी क्यू इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, सो इसे सॉल्व करने के लिए हम चार्पिट मेथड को काम में लेते हैं। सो चार्पिट इक्वेशन होती है डेल पी बाई डेल एक्स डेल पी बाई डेल एफ एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू डी क्यू वाई एफ वाई प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू डी जेड वाई माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल्स टू डी एक्स वाई माइनस ऑफ एफ बी इक्वल्स टू डी वाई वाई माइनस ऑफ एफ क्यू। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमें गिवन होते हैं अगर इसमें फंक्शन हमें पी एंड क्यू में डिफाइन हो, सिर्फ एफ पी क्यू इक्वल्स टू जीरो, देन इस केस में हमारे पास जो हमेशा चार्पिट मेथड सिंप्लीफाई हो जाएगी इस केस में डी पी वाई जीरो इक्वल्स टू डी क्यू वाई जीरो,
और बाकी आगे कुछ भी टर्म्स हो, बट यहाँ से हमारे पास डी पी बाई जीरो एंड डी क्यू बाई जीरो आ गए, तो इससे पी और क्यू की वैल्यू तो आ ही जाएगी ना हमारे पास। देन ऐसे इक्वेशन जहाँ भी दी हो जिसमें क्वेश्चन में फंक्शन सिर्फ पी एंड क्यू में डिफाइन किया हो, देन हम डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हैं चार्पिट मेथड में डी पी बाई जीरो इक्वल टू डी क्यू बाई जीरो। देन इस केस में यहाँ से पी बाई जीरो तो इम्प्लाई करेगा पी इक्व टू ए कॉन्स्टेंट, एंड पी डी क्यू बाई जीरो इम्प्लाई करेगा क्यू इक्व टू बी, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गए। सो पी और क्यू की यहाँ से वैल्यू आ गई, या फिर आप चार्पिट मेथड में वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। सो यहाँ से पी इक्व टू ए एंड क्यू इक्व टू बी आ गए, बट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में हमें गिवन है पी क्यू इक्व टू वन। सो पी क्यू इक्व टू अगर वन होगा देन यहाँ से ए बी इक्व टू वन आ गया, सो बी इक्व टू वन बाई ए आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई, चार्पिट मेथड से जो इक्वेशन बनती है उसे सॉल्व करते हैं हम, डी जेड इक्व टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सो यहाँ से हमारे पास पी इक्व टू ए आए, क्यू इक्व टू बी आए और बी इक्व टू वन बाई ए आए। सो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, देन दोनों कॉन्स्टेंट हैं सो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, जेड इक्व टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी, सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ गए यहाँ से। सो जेड इक्व टू ए एक्स प्लस वन बाई ए वाई प्लस सी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन इज पासिंग थ्रू जीरो जीरो एंड जीरो, सो वेन एक्स एंड वाई आर जीरो जेड इज इक्व टू जीरो। सो यहाँ से एक्स इक्व टू जीरो वाई इक्व टू जीरो एंड जेड इक्व टू जीरो पुट करेंगे, देन क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट फाइंड आउट होगा हमें सी इक्व टू जीरो। सो सी इक्व टू जीरो आ गया, एक रिजल्ट तो ये हो गया। एंड देन यहाँ से जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। सो डिफरेंशिएशन जब होगा विद रिस्पेक्ट टू ए देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड एक साइड में जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में, एंड यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियली। सो यहाँ से वैल्यू आ गई ए, सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी ए स्क्वायर इक्व टू वाई बाई एक्स। सो ए स्क्वायर इक्व टू वाई बाई एक्स आया, देन ए इक्व टू प्लस माइनस रूट ऑफ वाई बाई एक्स आ गया, ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से पुट करेंगे, देन इक्वेशन फर्स्ट सिंप्लीफाई हो गई हमारे पास, ए स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई बाई ए इक्व टू जेड आ गया। सो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू वाई बाई एक्स पुट कर देंगे, एंड ए की वैल्यू रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ वाई बाई एक्स पुट कर देंगे, देन यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई होगी प्लस माइनस टू रूट एक्स वाई। और हमें किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेड जीरो वन पे। सो एक्स इक्व टू जीरो एंड वाई इक्व टू वन अगर पुट करते हैं, यहाँ से x इक्व टू जीरो पुट करेंगे एंड y इक्व टू वन पुट करेंगे, देन z इक्व टू क्या आ जाएगा जीरो, कॉज ऑफ रूट ऑफ एक्स वाई है, जीरो से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देन इस केस में यहाँ से जीरो आ गया। सो z इक्व टू जीरो क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो सिंपली यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे चार्पिट मेथड से सॉल्व करना है। एंड देन फंक्शन हमें पी क्यू में गिवन है, सो यहाँ से पी इक्व टू ए आएगा एंड क्यू इक्व टू बी आएगा, देन सिंपली यहाँ से फिर हमने इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लेना है, एंड देन यहाँ से करेक्ट आंसर और गिवन बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है वो अप्लाई कर देनी है, देन यहाँ से सॉल्यूशन आ गया ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2013 में पूछे गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।